हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कार से हेलीकॉप्टर की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टू चैनल इनफ्रेट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है और दोस्तों ये तीन कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लू और ग्रीन में। और दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है वो है SS368A। तो दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इस डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर दें YT टेक्नोटेक गुरुजी को और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे पाएंगे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए डब्बे को अनबॉक्स करके देखते हैं कि डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो देख सकते हैं ये है इसका मैनुअल। मैनुअल में जो लिखा है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ हमें एक स्क्रू ड्राइवर मिला है, तो ये है हमारा रिमोट, इसी से हम अपने हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसमें दो जॉयस्टिक हैं और एक ट्रिमर है और ऊपर जो इसमें बटन दिए हुए हैं वो नकली हैं और यहाँ बीच में एक ऑन ऑफ का बटन है। तो पैक में इसमें सेल डलती है और ये है हमारा चार्जर, इसी से हम अपने हेलीकॉप्टर को चार्ज करेंगे। तो चलिए अपने हेलीकॉप्टर को भी बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने की साइड में एक एलईडी लगी हुई है और ये पूरा प्लास्टिक में है, मेटल में नहीं है। और बैक में एक प्रॉपलर लगी हुई है जो कि ओरिजिनल नहीं है। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं एक ऑन ऑफ का बटन है और एक सेंसर लगा हुआ है और तीसरा हमारा जो है बैटरी का सॉकेट है। तो देखिए हमारा जो हेलीकॉप्टर है ऑन हो गया है। चलिए मैं आपको इसमें चार्जर लगा के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे चार्ज करना है। तो आपको अपने चार्जर को इसमें लगा देना है और इसके बाद अपने स्विच में लगाना है और उसके बाद 25 मिनट में आपका हेलीकॉप्टर चार्ज हो जाएगा और उसके बाद ये कम से कम 8 से 10 मिनट फ्लाई करता है। चलिए रिमोट में सेल डाल देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो रिमोट है वो ऑन हो गया है। और दोस्तों ये जो ट्रिमर है ये हमारे हेलीकॉप्टर को स्टेबल करने में काम आता है। तो चलिए हेलीकॉप्टर को भी ऑन कर देते हैं। दोस्तों अगर आपका हेलीकॉप्टर घूमता है तो आप अपने हेलीकॉप्टर को ट्रिमर की मदद से स्टेबल कर सकते हैं। तो पहले जॉयस्टिक को आप धीरे से ऊपर उठाएंगे तो आपका हेलीकॉप्टर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो फ्लाइंग रेंज है वो कम से कम 25 से 30 फीट है, उससे ऊपर आप इसे नहीं फ्लाई कर सकते, आपकी रेंज टूट जाएगी और हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। और दूसरी बात, आप इसे आउटडोर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसे फ्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा उड़ता है।
हैं।